بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على الرسول النبي أمي الذي بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم صلى البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله رضوانكم الرسال البيت ويطهركم تطهيرا. قرآن کریم جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اہل بیت رسالت ہم نے تمہیں پاک پیدا کیا ہے. اللہ نے اہل بیت کو پاک کو پیدا کیا ہے اور پاکیزگی کے بعد زمانۂ طہارت کو دیا ہے. 124 انبیاء آئے اور 300 رسول آئے. اللہ نے پاک بھی کیا ہے, پاک رکھا بھی ہے, پاکیزگی زمانۂ دی. اسی لیے اللہ نے مولا کائنات کو پیدا کیا خانہ کعبہ, اور کعبہ پاک ہوا جب علی آئے. علی پاک جب کعبے میں آئے تو کعبہ پاک ہوا. یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں صرف یہ جشن عید جو ہے پاک لوگوں کے لیے ہے. جو لوگ پاک ہیں کو جشن منائیں گے. اور آج کا موضوع جو جشن عید زہرا ہے, مولا امین نے فرمایا کہ ہر مومن کی عید ہر روز ہر شب و روز ہے. جو واجب کو ادا کر دے, گناہوں سے پرہیز کر لے تو اس کی عید ہے. یعنی یہ بھی طہارت کی علامت ہے. جس دن ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیکی کر لیں یہی ہماری عید ہے. تو ہر مسرت, ہر صبح, ہر شام ہمارے لیے مسرت ہے اور خوشی ہے. تو اگر ہمیں خوشی منانا ہے تو اس کو خوش کرنا ہے جس نے خوشی بتائی ہے, جس نے دعوت دی ہے کہ اب اس کی بارگاہ میں آنے کے بعد کعبے میں کون ملا؟ ہمیں علی.
और मौलाए कायनात जैसी ज़िंदगी गुजारने वाला कि आज खाने काबा में जाए और जाने के बाद जितने मुसलमान हज करते हैं, कानून हज में यह है कि एक घास की पत्ती को हम मसल नहीं सकते। अगर मसल देंगे तो गुनाह है और कफारा है। चींटी को तकलीफ नहीं दे सकते। जो अली की जाए विलादत पे इतना अमन है तो उसकी मोहब्बत करना। तो अगर हम अली वालिम हैं तो हमने बहुत ईदें आती हैं और चली जाती हैं, मगर हर ईद में हम बराबर नहीं हो पाते। जितनी हम ईद मना रहे हैं वो हमारी ईद हमारी होगी, मगर पड़ोसी की ईद नहीं होगी, मेरे भाई की ईद नहीं होगी, मेरे पड़ोसी की ईद नहीं होगी, रिश्तेदारों की नहीं होगी, ख़ानदान में किसी की ईद नहीं होगी। हमारे पास कितनी ईदें हैं? 5 ईद हैं। कितनी ईदें हैं? 5। रमज़ान में जिन्होंने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद शुक्र का सजदा किया उसकी ईद है, जिसने रोज़ा नहीं रखा उसकी ईद नहीं है। चलिए, रोज़ा उसकी मजबूरी है, बड़े मसाइल होते हैं, मगर आप आए मस्जिद में ईद मिलने के लिए। बड़ा साफ और शफाफ कपड़ा है, कीमती कपड़ा है, जो ही गले मिले और मिलने के बाद दिल में हसद की आग जो है जल रही थी, तो उसकी ईद नहीं है। ईद उसकी है जो हसद की चिंगारी को बुझाती। हसद की चिंगारी की आग जो बुझाते उसी की मुसर्रत है, उसी की ईद है। अब चलिए दूसरी ईद आ रही, जिसे हम ईद कुर्मा कहते हैं। ईद में हुक्म यह है कि कुर्बानी जो करेगा, साहिब इस्तेताद नहीं कर सकता तो कर्जा लेगा, और इमाम ने वादा किया है जो कर्जा लेके भी कुर्बानी में हिस्सेदार हो जाएगा वो भी बराबर का ईद में शरीक होगा, और उसके बाद उसकी ईद होगी। चलिए यहाँ तक हमने मान लिया, मगर बच्चे हमारे ईद में मचल रहे थे, हमारे पास कपड़ा नहीं था। बड़े भाई के यहाँ कपड़ा आया, बड़ी बहन के यहाँ कपड़ा आया, सब बच्चों ने कपड़े तो पहन लिए, मगर हमारे पास नया कपड़ा ना था तो बच्चे घुट रहे थे, तो उनकी तो ईद हुई नहीं। वो जो ईद हमारी थी, हमने कपड़ा तो पहन लिया है मगर बच्चे अंदर से घुट रहे थे, तो उनकी तो हुई नहीं। अब तीसरी ईद आती है, वो ईद कौन सी है? ईद गदीर। गदीर में पैगंबर की 124 अंबिया की सारी मेहनत पैगंबर के पास है, और पैगंबर के पास सारी मेहनत है और सारी तकलीफें हैं, सारे मसायब हैं, मगर पैगंबर की ईद अभी नहीं हुई है। जो मुसर्रत करना चाहते हैं, जो पैगंबर ईद करना चाहते हैं, वो पैगंबर की ईद नहीं हुई। हज भी कर चुके हैं, सारे हज के अरकान बता चुके, मगर पैगंबर की ईद नहीं हुई। जब पैगंबर सफ़र कर रहे थे आयत आई, या यो रसूल बल्ले, अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो तुमने रसालत का कोई काम नहीं किया। इतनी तकलीफ, इतने मसायब, सब कुछ, कुछ भी नहीं। जो पैगंबर ने, खुदा ने कहा जो ये पैगाम है पहुंचाओगे तो तुम्हारी मुसर्रत है, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो जाए, तो पैगंबर ने 124 अंबिया की सारी मेहनत को देखी। पैगंबर ने मौलाए कायनात को लिया और लेने के बाद कहा मन कुन तो मौला फाजर मौला। पैगंबर ने अली को जो मौला बनाया तो पैगंबर ने कहा आज उम्मत की भी ईद है, हमारी भी ईद है, हमारे खुदा की भी ईद है। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाह।
पैगंबर ने कब ईद मनाई? जब अपना हक उम्मत तक पहुंचाया, अली को खलीफा और जानशीन बना दिया। ये तो आपकी तीसरी ईद हो। चौथी ईद है, वो ईद ये है कि ईद मुबाहला। और ईद मुबाहला जो हम मनाते हैं, ये पैगंबर जब ईसाइयों के दरमियान में गए और जाने के बाद ईसाइयों से बहस होती थी, तो पैगंबर मौजज़ा दिखा करके अपनी बात मनवा लेते। मगर पैगंबर ने मौजज़ा नहीं दिखाया। खुदा ने कहा तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपने औरतों को लाएं। अब पैगंबर मुबाहले में चले, जाने के बाद नसारा ने हसन हुसैन को देखा। पैगंबर से तो रोज बात होती थी, इसमें अली हैं और जहरा हैं। पैगंबर ने जब अहले बैत को मैदान में लाए, और लाने के बाद नसारा जो पैगंबर से बहस करते नहीं मानेंगे, जनाब ईसा खुदा के बेटे हैं, इसी बात पे बहस होती थी। अब ये नसारा नजरान के उलमा ने ये अहले बैत का चेहरा देखा और मासूम बच्चों का चेहरा, मासूम बच्चे हैं। अब ये उलमा कहते हैं हम इनसे बहस नहीं करेंगे, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि ये पहाड़ की तरह इशारा करते हैं, चूर चूर हो जाएगा। तो नसारा ने शिकस्त मान के अहले बैत की फतह का ऐलान किया, अहले बैत की सदाकत का ऐलान किया। अब यहाँ पर कहूँ, जो अली से हुकूमत पर टकराए वो हुकूमत झूठी, अली सच्ची। जो फातिमा से हक के लिए लड़े, फातिमा की हक सदाकत है, जो झूठलाए वो हुकूमत झूठी हो, कोई भी हो। सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद, जो हसन से शादी में टकराया वो झूठा, हसन चच्चे। जो हुसैन से हुकूमत में टकराया उसकी हुकूमत हमेशा झूठी रही, हुसैन की हुकूमत सच्ची रही। और यही वजह है पूरी दुनिया हुसैन का कसीदा इसलिए पढ़ती है, हुसैन ने हक को बचाया, दीन को बचाया, कुर्बान को बचाया। सलवात पढ़ दो आले मोहम्मद। ये कुरान मजीद की तिलावत होती है, ये जो अजान होती है, ये हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी का असर है। और ये वजह है कि इमाम सज्जाद जब ये काफिला ले के जा रहे थे, और जाने के बाद किसी ने पूछा, मौला ये बताए कौन जीता? इमाम ने एक जुमला फरमाया, जब मस्जिदों से आवाज़ अजान, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, तो समझो हुसैन जीत गए। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी ईद है कि हुसैन की शहादत कुर्बानी का ऐलान करते हैं। सलावात पढ़ दो वाले मोहम्मद। ये मुबाहले वाली ईद हो गई। अब जो ये ईद जहरा है, ईद जहरा में तमाम ईदों में हमारे बच्चों के कपड़े नहीं थे, बड़ी घुटन थी, बड़ी उलझन होती है। जब आप 100 रुपए की चॉकलेट अपने बच्चों को न ले जाएं घर में, बच्चों जो लालच में कहते हैं चॉकलेट लाए पापा, तो कितनी घुटन होती है। और अब 1 रुपए की 50 पैसे की चॉकलेट ले जाते, बच्चे देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। यानी बच्चों की ईद क्या है कि 1 50 पैसे की चॉकलेट बच्चों की मुसरत का बाइस है। बाप कब खुश होता है? जब भी मुस्कुराते। बाप कब खुश होता है? जब बच्चे मुस्कुरा रहे। बच्चों की ईद जब है कि बाप भी साथ में शरीक रहे। मतलब एक बाप परदेसी है, बाहर है, और बच्चे यहाँ हैं, तो वहाँ पर कुछ भी हो बड़ी घुटन होती। जब घर में आते हैं तो बच्चों की बड़ी ईद होती है जब माँ बाप के साथ। अब पूरी बात हो गई। अब ये जो ईद जहरा है, ईद जहरा में जो हमने ईद मनाई है, कौन कि हमारी इस ईद में इमाम जमाना शरीक है। सलावत।
जितनी ईदें हमने मनाई किसी ईद में इमाम न थे, मगर ईद जहरा पहली ईद है जिसमें हमारी ईद में इमाम ज़माना शरीफ है। और हमें इसलिए खुशी है कि इमाम ज़माना की मुसर्रत हमारी सबसे बड़ी ईद है कि हमारे साथ इमाम शरीफ। और आज जो खुल के बात करना है हमारे नौजवानों को, ये ईद जहरा हम क्यों मनाते हैं, जो ईद जहरा हम मना रहे हैं इतनी खुशी क्यों आए। सलावात पढ़ने वाले जो ईद जहरा ईद मुसर्रत है इसलिए खुशी हम क्यों मनाते हैं, तो ये ईद जहरा है, ईद नौरोज है, मर्ग यजीद है, मर्ग दुश्मनान अहले बैत है। इस ईद की मनाने की एक वजह और है जो हम नौजवानों को बता सकते हैं। हमारे नौजवान जो हैं 2 महीना 8 दिन सोगवा रहे थे, कोई खुशी नहीं है, 2 महीना 8 दिन हमारे पास कोई खुशी नहीं। हद है कि 7 सफर को किसकी विलादत है, इमाम मुस्तफा बाबुल हवाइज की, उस दिन में हम खुशी ना मना सके। हमारे पास इतना बड़ा गम था कि हम अपने इमाम का जश्न मना सके, जश्न मुसर्रत ना मना सके, खुशी ना मना सके। तो आज इतनी बड़ी खुशी क्यों कि इमाम सज्जाद मुस्कुराए। इमाम सज्जाद का मुस्कुरा के दुनिया के शियों को, हर चाहने वालों को मौका दिया कि जितना तुमने शिद्दत से गम मनाया है हमारे मुस्कुराहट में, उतने ही तुम खुशी भी मना लो। सलवा पढ़ो मोहम्मद यानी इमाम का मुस्कुराने क्या मतलब है, इमाम ने क्या कहा कि देखो 2 महीना 8 दिन सारी खुशियां खत्म कर दी हमारे गम के लिए, हमारे बाप के गम के लिए, और आज हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि इतनी शिद्दत से तुमने गम मनाया है उतनी शिद्दत से खुशी भी मनाओ। सलावात पढ़ दी मोहम्मद वाले, यानी ये इमाम मुस्कुरा रहे हैं और हमें ईद की दावत जो है, ईद सईद जो है, इमाम का मुस्कुराना हमारे लिए मुसर्रत के बाइस, और इससे बड़ी कोई ईद नहीं चुका हमारे साथ इमाम शरीक है। इस ईद में इमाम सज्जाद भी हैं, जनाब ज़हरा भी हैं, और पर्दे गैब का इमाम वाले। अब एक सवाल और मैं कर रहा हूँ आप सबसे कि आज अहले सुन्नत जो है वो सवाल करते हैं कि 9 रबीउल अव्वल क्यों, काहे के लिए, वो कातिल मारा गया और इमाम मुस्कुराए। तो एक बात मैं कह रहा हूँ कि इमाम मुस्कुराए ज़रूर, तो हम जैसा इमाम ऐसा नहीं है कि हमारा दुश्मन मारा गया तो हम खुशी मनाएंगे। हमारा दुश्मन मारा जाए, हमारा दुश्मन तकलीफ में है वो, तो इसलिए हम खुश हो जाए। तो लोग कहते हैं या क्या इंसानियत है कि दुश्मन पर कोई तकलीफ हुई तो आप खुशी मना रहे। तो इमाम मुस्कुराए क्यों कि हुरमला का सर काटा गया, इब्ने ज़ियाद मारा गया, जितने भी दुश्मन हैं, इमाम ने अपना दुश्मन मान के नहीं खुशी मनाई, खुदा का दुश्मन मारा गया है, इमाम का दुश्मन मारा गया, इमाम ने अपने दुश्मन को अपना नहीं माना है, खुदा के दुश्मन को मारने की खबर मिली तो इसलिए इमाम ने खुशी मनाई। सलवात और दुआएं मोहम्मद, यानी सबसे बड़ी मुसर्रत यह है कि इमाम ने फरमाया कि खुदा का दुश्मन मारा गया, जनाब ज़हरा का दुश्मन मारा गया, इमाम का दुश्मन मारा गया। अब एक बात, याद ये जश्न है, इमाम है, जब हम इमाम ज़माना का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं इमाम आएंगे और उसके बाद हम इमाम का जश्न मना रहे हैं, दूसरे लोग परेशान होते हैं, दूसरे क्यों परेशान हो, भाई इमाम हमारे आएंगे, आपको कोई तकलीफ है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बात पूरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी कि हमारे कौसर भाई कहीं दूर से आ रहे थे, रास्ते में चंद लुच्चे लफंगों ने इनकी डायरी चोरी कर ली, छीन लिया। अब छीनने के बाद ये मायूस हुए
सुहाना में क्या हुआ, डायरी ली, पैसे कुछ कम थे मगर पैसे का कोई अफसोस नहीं, डायरी छीन ली, कसीदा मदेह के बैल। यहाँ आए सारे नौजवानों ने घेर लिया, क्या हुआ, कहा कुछ लुच्चे लफंगों ने फला जगह पर हमारी डायरी छीन ली। बैल उतनी देर के बाद दूसरे दिन निकले, वही लुच्चे लफंगे सामने नजर आए। अब कौसर भाई ने देखा और देखने के बाद कहा यही थे। अब अंजुमन के सारे नौजवान जाके घेर लिए। अब जो घेरे तो अब ये अंजुमन के नौजवानों ने घेरा, उसके बाद ये नहर गए कि डायरी भी देना है और मार भी खाना है। कल ये तनहा थे, अंजुमन आई, हाक भी दिया, मार भी खाएंगे। हम जब जनाबे जहरा का जिक्र करते हैं कि इमाम पर्दे गैब में आएगा तो डरते ही है कि हमें हक़ जहरा भी देना है, इमाम ज़माना हमें अज़ियत भी देंगे और मारे भी देंगे। तो यानी हम दुआए जहरा इसलिए हैं कि हमारी इमाम नुसरत भी करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। अपने आमाल को ऐसा बना ले कि हमारे अमल से इमाम ज़माना राज़ी हो जाए, शहजादी जहरा राज़ी हो जाए। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा।